शाह अल्लाह देता। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के मारगला पहाड़ के दामन में वाक़े एक सदियों पुराना गांव है। सियाह यहां तक पहुंचने के लिए दो अहम रास्ते इस्तेमाल कर सकते हैं। जो सियाह इस्लामाबाद की तरफ से शाह अल्लाह देता जाना चाहते हैं, वो मारगला रोड से होते हुए पहले सेक्टर E11 और फिर D12 से होते हुए शाह अल्लाह देता रोड के ज़रिए इन गारों तक पहुंचते हैं। इस्लामाबाद के मरकज़ ज़ीरो पॉइंट से शाह अल्लाह देता का फासला तकरीबन 21 किलोमीटर है, जिसको आधे घंटे में तय किया जा सकता है। जो सियाह GT रोड से आते हैं, वो इस्लामाबाद के नए बनाए गए मारगला एवेन्यू से बहुत आसानी से यहाँ तक पहुँच सकते हैं। संगजानी गांव के पास ही से मारगला एवेन्यू में दाखिल होकर सिर्फ 11 किलोमीटर का सफ़र करके शाह अल्लाह देता तक पहुँचा जा सकता है, जो कि 15 से 20 मिनट की मुसाफत है। गांव में दाखिल होने के बाद एक छोटे से बाजार से गुजरा जाता है। सड़क खस्ताहाली का भी शिकार है, लेकिन गांव की तारीखी पस मंज़र और गारों की सहर ये सब कुछ भुला देती है। डेरा जो है ये 4000 साल से मुसलसल आबाद चला आ रहा है। यहाँ सबसे पहले बुद्धिस्ट आबाद रहे हैं और उसके बाद मुग़ल भी आबाद रहे हैं। उसके बाद ये लास्ट में ये डेरा हिंदुओं के पास था, और हिंदू जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त जो है ना ये डेरा होगन दास नामी हिंदू के पास था। उसने जाते हुए ये डेरा मेरे दादा अब्दुल गफूर वल्दीन मोहम्मद के नाम पर रजिस्टर्ड करवाया, और उसके बाद वो यहाँ से गया, और फिर उस दौर से दादाजी के दौर से इस डेरे की निगहदाश्त हम करते चले आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कि ये वो डेरा है कि जिस पे 2500 साल पहले अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर आजम आया था इस डेरे पर। और ये रोड जो है ये वैसे शेर शाह सूरी से मंसूब है, जो उसने दिल्ली से काबुल और कश्मीर को मिलाई थी। यहाँ पे हिंदू सिख मुसलमान सारी कौमें आबाद थी। कौमियत के एतबार से यहाँ पे जो है ना जी तकरीबन 28-30 कौमें आबाद हैं, है ना। यहाँ पे छोटी बड़ी सारी जो है ना जी वो कौमें आबाद हैं इस इलाके में। आगे पहले दीवारें लगी हुई थी, बाकायदा ये कमरा नुमा बने हुए थे ये केव। असल में ये दीवारें क्यों गिरी, इनको कैसे नुकसान पहुंचा, ये सामने जो आपको वो बड़ा एक आम का दरख्त नज़र आ रहा है, 1000 साल पुराना ये दरख्त है, वो सामने कटी बाड़ी के मुंह के आगे जो ये नज़र आ रहा है, ये जिसके नीचे ये नंबू वगैरह लगी हुई। जी जी, ये इधर बाग था, बहुत बड़ा बाग भी शाही था। उस बाग में आम थे, अमरूद थे, लौकाठें थी, खुबानियाँ थी, नाशपातियाँ थी, आलू खारे थे, आलूचे थे, उसमें सेब थे, उसमें संतरे थे, उसमें माल्टे थे, उसमें अंजीर थी, उसमें केले थे, उसमें अखरोट थे, उसमें बादाम थे, हर किस्म का जो है ना कीमती दरख्त फलदार जो है ना वो उसमें लगे हुए थे। ये बदकिस्मती से 1983 में हमसे CDA ने एक्वायर किया था, वो कि हमें CDA ने उसके बदले में प्लाट भी दिया, पेमेंट भी की, लेकिन नुकसान ये हुआ कि वो जिस बंदे को CDA ने बाद में अलाट किया था, उसने उस शाही बाग को काट के यहाँ पे स्टोन क्रशर लगाया, और ये सामने वाला जो पहाड़ कटा हुआ है ये स्टोन क्रशर ने काटा है। ये तहें जो नज़र आ रही हैं आपको, ये समंदर की तह में होती हैं, है ना, और ये फासल्स हैं मुख्तलिफ जो है ये किसी ज़माने में लाखों साल पहले ये जगह समंदर में रही थी, और उससे जो है ना जी ये चीज़ें जो है ना वो बताते हैं कि ख़ासकर ये जो चीज़ है ये समंदर की सबसे निचली तह में होती है। ज़्यादातर फासल जो हैं वो याला एक समंदरी जानवर था, जिस ज़माने में डायनासोर और दूसरी बड़ी मखलूक़ात होती थी समंदर में, उस दौर में कोई याला जानवर था, उसकी हड्डियों के ज़्यादातर फासल्स इस एरिया में। ये जो आपको दीवारें ये नज़र आ रही हैं, कटी हुई पहाड़ी जो नज़र आ रही है, ये ज़्यादातर फासल्स हैं। ये जो दरा
दरख्त है ना जी, ये वहाँ से लेके वहाँ तक ये एक ही दरख्त है। सबसे पहली बात ये ऊपर से ये जड़ें फेंकता है, नीचे ये इसके रूट हैं, ये नीचे आके ज़मीन में परस्त होकर ये फिर एनर्जी हासिल करते हैं और ये तना बनते जाते हैं। ये दरख्त ऊपर था, ऊपर से ये सारा कुछ नीचे आया है, उसकी जड़ें नीचे आई हैं और ये तने बने हैं। तो ये दरख्त जो है इसकी उम्र आर्कियोलॉजिस्ट को बताते हैं वो 1000 से 11 बरस का। सदियों पुराना ये हमारा सिस्टम है कि यहाँ से अहले इलाका और गांव के लोग पानी पीने के लिए भरते हैं, और अब तो सड़कों से भी लोग आते हैं पीने के लिए पानी भर के ले जाते हैं। ये अल्लाह के फजल से साफ शफाफ, और जैसा कि आप देख रहे हैं मोतियों की तरह जो है ना जी साफ शफाफ ये चश्मा है। ये है स्नान घाट। ये हमसे पहले जो थे वो इस डेरे पे हिंदू आबाद थे। काफ़ी आवाम इधर आती है, अक्सर फॉरनर बहुत ज़्यादा आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब अच्छे लोग भी आते हैं, बुरे लोग भी आते हैं। हमारी कोशिश होती है कि ये डेरा साफ़ सुथरा रहे। हम दिन में 2 मरतबा इस डेरे की सफाई करते हैं, और कम से कम पहली दफ़ा तो हमें 3-4 घंटे लगते हैं इस डेरे की सफाई पे। दो तीन बंदे हमारे जो है ना, जैसा कि ये आज तो बारिश हुई है, इतना क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी हमने आप देख रहे हैं कोशिश की है। तो बाज़ लोगों से मेरा गिला आने वाले मस्जिद मेहमानों से ये होता है कि बाज़ लोग चश्मे के आगे उतर जाते हैं, जबकि हमारा इलाका गांव सारा ये पीछे से पानी भरता है, पीने के लिए पानी भरते हैं, और हम इस चश्मे का एहतराम करते हैं। तो हमारी ये दरख्वास्त होती है कि इससे आगे कोई बंदा चश्मे के अंदर ना उतरे और जो है ना गन ना डाले। लेकिन बोर्ड भी लगा हुआ है उसके ऊपर, इसके बावजूद बाज़ लोग आगे जाके स्टार्ट में जो है ना जी उधर उतर जाते हैं, बीच में पाँव मारते हैं। इसके बाद मैंने काफ़ी सख्ती कर दी है कि इससे आगे चश्मा जहाँ से पानी भरते हैं इससे आगे कोई बंदा ना नीचे उतर सकता है, और ना ही कोई जो है ना जी ये पापड़ वगैरह दूसरा तीसरा खाने के लिए भी हम आगे इजाज़त नहीं देते कि कोई बंदा उधर कोई चीज़ फेंके। तो इससे लोग नालां होते हैं, हम इनसे गिला करते हैं कि आप इतना जो है ना जी वो सख्ती करते हैं, लेकिन ये उन लोगों को ये नहीं पता कि ये हमारी मजबूरी है। ये दीवारें जैसे कोई पत्थर गिरता है हम दोबारा उसको उठा के लगा देते हैं, कोई दीवार गिरती है तो हम उसको उसी पोजीशन में दोबारा लगा देते हैं। लेकिन गवर्नमेंट से मेरी यही अपील मैंने बार बार की थी कि इसकी देखभाल के लिए इसका जो है ना जी कोई बनाया जाए, इन दीवारों को अच्छी तरह जो है ना जी बनाया जाए और इनको बना के हमारे हवाले किया जाए। हमारी पसली नहीं है, हम गरीब लोग हैं, हम इस पर इतना ख़र्चा कर सकें, लेकिन ये है कि हमें बना के हमारे हवाले किया जाए, हमें यहाँ से ख़त्म ना किया जाए, है ना। ये ना हो, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट की उनकी कोशिश ये है कि हम पैसा लगाएं और फिर अपने हैंड ओवर कर लें, तो ये हमारे साथ अगर ऐसा हुआ तो ये जुल्म होगा, क्योंकि हम अबाउ अजदाद से इस डेरे की निगहदाश्त करते चले आ रहे हैं, इसकी देखभाल। जब ये जंगल था, यहाँ कोई भी नहीं आता था, उस वक़्त से हम यहाँ बैठे हुए इसकी निगरानी कर रहे हैं, और हमें हमारे अबाउ अजदाद की ये वसीयत थी कि यहाँ पे जैसा है जो है जैसा है वैसे की हालत में इसको रहना चाहिए।